बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लैपटॉप स्कीम की फाइनल हातमी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लैपटॉप स्कीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉट एलिजिबल और वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो ये तरीकाकार बताऊँगा आप घर बैठे कैसे अपनी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जिन लोगों को नॉट एलिजिबल करार दिया गया है या वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, इन लोगों को अब क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करूंगा, आपने उसको ओपन करना है। तो आप HSC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, आप साल 2022 और 23 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी की सिटी को सिलेक्ट करना है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में है, कौन से शहर में है, आपने उसका नाम यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे जो है इस्लामाबाद का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आयर यूनिवर्सिटी है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैंपस के बारे में, तो ये तमाम मुल्तान का कैंपस हो गया, मेन कैंपस हो गया। ठीक है, तमाम कैंपस मेरे सामने आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मेन कैंपस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि जो है कोई बंदा ये ना कहे कि सर मुझे समझ नहीं आई। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें जो भी आपका डिपार्टमेंट है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिग्री लेवल आपसे पूछा जा रहा है, जो भी आपका डिग्री लेवल है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ स्टडीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और फिल्टर रिजल्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखें आपके सामने एक लिस्ट शो हो जाएगी। एक पेज के ऊपर आपको 10 रिजल्ट शो होंगे। ठीक है, ऊपर देखें यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है जी, इसका यहाँ पे स्टेटस नज़र आ रहा है जी, एक्सेप्ट फॉर मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसके 81% है, ठीक है, परसेंटेज है इसकी, और सेलेक्ट कर लिया गया है इसको लैपटॉप स्कीम के लिए। इसके बाद नीचे एक आदमी है, इसकी 91% है परसेंटेज, और डिसअप्रूवल इसको कर दिया गया है, और नॉट एलिजिबल इसको करार दिया गया है इस स्कीम के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको उनकी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन की जानब से डिसअप्रूवल किया गया था, उन्होंने अपने फोकल पर्सन के साथ किसी किस्म का रब्ता नहीं किया, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन है उसने किसी न किसी वजह से उसने आपकी दरख्वास्त को डिसअप्रूवल कर दिया था, जिस वजह से अभी आपके मेरिट लिस्ट में नॉट एलिजिबल आपको करार दिया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे आएँ तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्सेप्ट फॉर मेरिट लिस्ट उनके सामने लिखा हुआ नज़र आ जाए, लेकिन उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, तो इन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने वेट करना है, हो सकता है मे बी आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो। ठीक है, इसके बाद आगे वाला रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे वाला पेज आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे तमाम तरह डिटेल आपको दी हुई है, स्टूडेंट्स का नाम, उसके फादर का नाम, इनरोल नंबर, इसके अलावा डिग्री प्रोग्राम, इसके अलावा ईयर ऑफ स्टडीज़, इसके अलावा परसेंटेज, लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर आपका CGPA कितना था। ठीक है, स्टेटस और मेरिट लिस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपको दे दी गई हैं। इस तरीके के साथ अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी को चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहरिया यूनिवर्सिटी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद लाहौर कैंपस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मेरे सामने जो है डिपार्टमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप उसी हिसाब से चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। आप नीचे देखें सारे का सारा रिज़ल्ट मेरे सामने शो हो चुका है, मेरिट स्टेटस यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के साथ तरीकाकार यही है, अगर आप यहाँ पे कुछ सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं फैसलाबाद को आप सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद मेन कैंपस। ठीक है, तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद नीचे आप फिल्टर के ऊपर जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फैसलाबाद के अंदर जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसका जो मेरिट स्टेटस है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स की यहाँ पे परसेंटेज भी शो हो रही है, और स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और अप्लाइड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक जो फाइनल हतमी मेरिट लिस्ट है वो तैयार नहीं की। ठीक है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को नोटिस जारी किए गए हैं कि वो हतमी जो मेरिट लिस्ट है वो फौरी तौर पर जमा करवाएँ। तो जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी की जानब से ये जो HSC को मौसूल हो जाएगी मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका डाटा भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके के साथ चकवाल यूनिवर्सिटी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये आखिरी मरतबा मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप ख़ुद भी घर बैठे इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए चकवाल यूनिवर्सिटी जो है उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो मेरिट स्टेटस है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, स्टेटस के अंदर वेरीफाइड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो जिन स्टूडेंट्स को वेरीफाई कर लिया गया है फोकल पर्सन की जानिब से उनका डाटा यहाँ पे वेरीफाई शो हो रहा है, और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया या फिर उनको डिसअप्रूवल किया गया है तो उनको आपने फोकल पर्सन के साथ अभी भी रब्ता कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर तो मेरिट स्टेटस में आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है तो अभी तक आपने इंतज़ार करना है। ठीक है, हो सकता है आपको सिलेक्ट कर लिया जाए लैपटॉप स्कीम के लिए, हो सकता है आपको नॉट एलिजिबल करार दिया जाए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जिन लोगों को डिसअप्रूवल कर दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है, उनको तो भाई मैं जल्दी अभी भी बता रहा हूँ कि आपने फोकल पर्सन के साथ रब्ता करना है, आपके पास आखिरी मौका है। ठीक है, अगर तो आपके फोकल पर्सन ने हतमी मेरिट लिस्ट जो है वो जमा करवा दी है यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपकी यूनिवर्सिटी ने HSC को मेरिट लिस्ट जो है वो जमा करवा दी है, तो फिर आप डिसअप्रूवल ही रहेंगे। ठीक है ना, हो सकता है आपके फोकल पर्सन के साथ अगर आप रब्ता करते हैं तो वो आपको वेरीफाई कर ले, और उसके बाद आपको भी लैपटॉप के लिए सेलेक्ट कर लिया जाए। अगर आपका परसेंटेज अच्छी है, अगर आपका CGPA अच्छा है, तो फिर आप लाजमी अपने फोकल पर्सन के साथ रब्ता करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी, आपको मुकम्मल इन जानकारी मिल चुकी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है कि कैसे आपने अपनी यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट को यहाँ आके चेक करना है, तो सारी तफसीलात आपको बता दी गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।